दिव्य संगम, एक और मौका आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। सभी खिलाड़ियों को एक बार फिर ऑल द वेरी बेस्ट। पहला प्रश्न फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या कंकाल तंत्र का एक हिस्सा है? Which of these is a part of the skeletal system? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए पसलियां, बी पेट, सी मस्तिष्क या डी जीभ। इज इट ए रिब्स, स्टमक, ब्रेन और द टंग। समय समाप्त हो गया है, आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले रिब्स, पसलियां जो हैं, ये सही उत्तर है ए। अब देखते हैं ए में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। दो को छोड़कर सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? डॉक्टर अखिलेश का 1.63 सेकंड। ऑल राइट, तो लीडर बोर्ड पे डॉक्टर अखिलेश प्रथम स्थान पर आ गए। अब आएगा आपके सामने दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कार का इनमें से कौन सा भाग विंडशील्ड पर पाया जाता है? Which of these parts of a car are found on the windshield? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए वाइपर्स, बी पहिए या व्हील्स, सी गियरबॉक्स या डी स्टीयरिंग व्हील। वाइपर्स, व्हील्स, गियरबॉक्स, स्टीयरिंग व्हील। तो मैं समाप्त, सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है ए वाइपर्स। वाइपर्स होते हैं पानी हटाने के लिए, वो चलते इधर से उधर। ओके, अब देखते हैं ए में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया उनके नामों को देखते हैं। टीम को छोड़कर सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय विजय श्रीवास्तव जी का लगा 1.07 सेकंड। ओके, बधाई आपको। अब देखते हैं लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है। डॉक्टर अखिलेश पटेल स्थान पर थे, अब भी लास्ट योगेश्वर पहुंच गए नंबर वन स्थान पर, बधाई। ओके, अब आ रहा है तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्टूबर 2022 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में किसे चुना गया था? इन अक्टूबर 2022 हु वाज इलेक्टेड एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए ली झांसू, बी वांग यांग, सी हु जिनताओ, शी जिनपिंग। तो अब देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है लीजिए, शी जिनपिंग का नाम आ गया है, ये चीन के राष्ट्रपति भी हैं। अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सबसे तेज जवाब किसका रहा? विनोद बाबू भाई सगाठिया का 2.04 सेकंड्स। ऑल राइट, अब देखते हैं लीडर बोर्ड पर क्या स्थिति बनती है। अभिराज जी आगे थे, विनोद बाबू भाई पहुंच गए। बधाई, बधाई, बधाई। कमाल करे दीदी, कमाल करे दीदी। क्या बात है सर, आप बहुत खुश हैं। क्या बताऊं सर, अभी तो मुझे मालूम आप पीछे नहीं देंगे, मैं खुद ले लूंगा फिर। पत्नी जी भी बहुत खुश हैं। अरे सर उसकी बात मत पूछिए। बहुत बहुत बधाई आपको, हम चाहते हैं कि जल्दी से आपके साथ। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब चलिए वहीं पर। आप लास्ट में 7.5 करोड़ का क्वेश्चन है तो 7.5 करोड़। एक शर्त है भाई साहब, ऐसे ही बैठे रहिए सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ऐसे ऐसे करते रहना चाहिए। ओके सर, बहुत अच्छा लगा हमें। अच्छा, पंजाबी में इसको मोटा डांस बोलते हैं। मोटा, मोटा, ये मोटा होता है। मोटा डांस, मोटा डांस, इसको मोटा बोलते हैं।
हाँ, क्या बात है। अरे वाह 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 सर, मिल गया आपको। मैं बताऊं, आज आप यहां से जीते ना जीते, फिल्म में जरूर आपको एक मिल जाएगा रोल। तो देखिए सर, मेरे सामने हर सिर पर पलटी मार करके बैठ गए हैं विनोद बाबू भाई सागठिया जी। ये गुजरात गवर्नमेंट के पंचायत विभाग में एक मल्टीपर्पस हेल्थ केयर वर्कर है और ये अमरेली गुजरात से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भाई साहब। थैंक यू सर। बहुत कम ऐसे कंटेस्टेंट्स आते हैं जिनका आकार, जिनकी मुद्रा, जिनका आकरण, जिनका बिहेवियर आप जैसे होता है। थैंक यू। आप अभ्युत हैं। थैंक यू सर। तो अब तो आप बैठ गए इस गर्म कुर्सी पर, कैसा लग रहा है? सर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं? बिल्कुल, उतरना पड़ेगा इतना ही थोड़ा सा। 2013 की बात है, बच्चन सर आएंगे, कहते हैं क्या आप करोड़पति बनने के लिए तैयार है? तो मैं कहता था सर मैं बिल्कुल तैयार हूं। 17 साल से सर इंतजार था इसका, आज इंतजार खत्म हो गया। पलटी मारिए। 17 साल से आप प्रयत्न कर रहे हैं? सर केवल 17 साल से प्रयत्न नहीं, कभी निराश भी नहीं हुआ। कभी निराश भी नहीं हुआ, बहुत अच्छा। वाह क्या बात है। यानी आपको मालूम था कि एक ना एक दिन आप आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये मेरी महबूबा है। वाह, तो वो कौन है जो पीछे बैठी है? सर ऐसा मत कीजिए, वो लफड़ा हो जाएगा थोड़ा। अच्छा अच्छा, कंपनी के रूप में हम बता दें आपको, देवेंद्र संजय इनकी पत्नी जी आए हुए हैं, इनके भाई साहब आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का, तालियों के साथ इनका हम स्वागत करते हैं। गौरी बहन इनकी पत्नी है और सोहेल इनके भाई का नाम है। ऑलराइट विनोद भाई, चलिए सबकी दुआएं हैं आपके साथ और खेल की शुरुआत करते हैं। प्रारंभ किया जाए, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न विनोद भाई आपके सामने आ रहा है। पहला प्रश्न, 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस वाक्यांश का अर्थ अथक परिश्रम करना है? Which of these phrases means to work tirelessly? A. दिन रात एक करना, B. दोपहर शाम एक करना, C. दिन दोपहर एक करना, या D. शाम रात एक करना। सर इसका आंसर है A. दिन रात एक करना, जैसे मैंने केबीसी के लिए किया है। बिल्कुल, क्या करें? सर A को लॉक किया जाए, एक में ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, और जैसा कि आपने स्वयं कहा था आज आप केबीसी का हॉट सीट पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि निश्चित रूप से आपने दिन रात एक किया होगा और आप अवश्य सफल हों, ऐसी हमारी कामना भी है आपके साथ विनोद भाई। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस भारतीय नाश्ते का गुजराती में शाब्दिक अर्थ दबा हुआ होता है? Which of these Indian street foods literally means pressed in Gujarati? ऑप्शन देखिए, ए फाफड़ा, बी दाबेली, सी ढोकला, या डी सेब। सर इसका आंसर है बी दाबेली। दाबेली पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तीसरा प्रश्न आ रहा आपके सामने विनोद भाई। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए ये रहा आपके सामने। यदि गेंदबाज एक वाइड गेंद फेंकता है तो बल्लेबाजी पक्ष को कितने रन दिए जाते हैं? हाउ मेनी रन्स आर अवॉर्डेड टू द बैटिंग साइड इफ द बॉलर बॉल्स अ वाइड बॉल? ऑप्शन सुनिए, ए 6, बी 3, सी 2, या डी 1। सर इसका आंसर 3-2 या 1? सर इसका आंसर है डी 1। 1 जी, लगाएं ताला? जी बिल्कुल, बोलना पड़ेगा आपको। जी सर ताला लगाया जाए, डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अब आएगा चौथा प्रश्न, 5000 रुपए इसका मूल्य। रेडी, चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। फिल्मों और खलनायकों की इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है? Which of these pairs of movies and villains is incorrectly paired? A. Mr. India Mugambo, B. Kalicharan Lion, C. Diwar Shakal, D. Shole Gabbar Singh। Shakal।
कौन सी जोड़ी गलत है? सर इसका आंसर है सी मेरे ख्याल से, क्योंकि दीवार में विलन नहीं है, शाकाल शान में है, तो मैं सी के ओर जाना चाहूंगा। ओके, क्या करें? लॉक किया जाए। लॉक किया जाए जी, बिल्कुल सी दीवार शाकाल पे ताला लगा जाए। सही जवाब दिया आपने, बधाई। हमने सुना है कि आपने एक कोई कथा लिखी है हमारे लिए, फिल्म के लिए। अच्छा सही सही है। सर बात करूं मैं मोहब्बत की, क्या आपका किरदार था और मेरे फेवरेट शाहरुख भी थे, तो कहीं ना कहीं दिमाग में आया कि यश चोपड़ा साहब एक लेजेंड जिसके हाथ में एक कैमरा आ गया, तो उसमें जो हीरे तराशे उसकी बात नहीं, एक तो मेरे सामने साक्षात आप बैठे शाहरुख खान जी है, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मुझे एक फिल्म लिखनी चाहिए, तो लिखा नहीं था लेकिन ऐसा कुछ सोचा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये दो देश को मिलाया जाए, तो पाकिस्तान से अमिताभ बच्चन सर है, उनकी बेटी ऐश्वर्या है जो बंटवारे के बाद वहां पे चले गए थे, यहाँ पे शाहरुख खान साहब है जो गाइड का काम करते हैं, फिर आते हैं ऐश्वर्या जी कहते हैं कि पापा हमको इंडिया घूमना है, इंडिया घूमने आते हैं दोनों में, फिर गाइड करते करते दोनों में लव हो जाता है, फिर शाहरुख खान पहुंच जाते हैं पाकिस्तान में और वहां से ऐश्वर्या लाई जी को लेके आते हैं, तो फिर हुआ ऐसा कि यस सोचा था मैंने पर दुर्भाग्यवश मैं यस जी को नहीं मिल पाया, फिर बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसके ऊपर दो तीन फिल्में भी बन गई, एक वीर जारा है जो आपसे ही, और एक फना है जिसमें गाइड थे आमिर खान साहब, तो बहुत अच्छा लगा कि नहीं जो मैंने सोचा था वही या फिल्म भी बन गए और यस साहब ने बनाई, बहुत मजा आ गया मुझे। ये जो पिक्चर रिलीज हुई थी, ये रिलीज होने के बाद आपने कहानी लिखी कि पहले लिखी हुई थी? नहीं सर, तो सच सच बोलिएगा। बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मोहब्बत देखने के बाद ही मुझे तुरंत दिमाग में आया कि नहीं ऐसी पिक्चर होनी चाहिए, और मैंने टाइटल भी सोचा है दो दिलों की एक धड़कन। ओहो, सर आप इधर गरम कुर्सी पे क्या कर रहे हैं? आपको तो पहुंचना चाहिए कहीं और अच्छी अच्छी कहानियां लिखी सर। सर ये केवल गरम नहीं है, ये हॉट सीट है ना, लेकिन नोट भी देती है। अद्भुत कलाकार हैं ये। और विनोद भाई चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में, पांचवा प्रश्न आ रहा है, ये है खेल का पहला पड़ाव, ₹10,000 पांचवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आप एक GSRTC बस से यात्रा कर रहे हैं तो GSRTC में टी क्या है? इफ यू आर ट्रेवलिंग बाय ए GSRTC बस, व्हाट इज द टी इन GSRTC स्टैंड फॉर? ऑप्शन सुनिए, ए ट्रेवल, बी ट्रांसपोर्ट, सी ट्रांसमिट या डी टेलीपोर्ट। सर इसका आंसर है बी ट्रांसपोर्ट। क्या करें? बोलना पड़ेगा सर। लॉक किया जाए सर। बी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने, जीत गया है ₹10,000। GSRTC का अर्थ होता है गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। बहुत बहुत बधाई आपको विनोद जी। अब आ गया है छठा प्रश्न और समय मिलेगा आपको 60 सेकंड उत्तर देने के लिए, ठीक है? छठा प्रश्न ₹20,000 स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस स्थान पर आपको हिमनद मिलने की सबसे अधिक संभावना है? इन विच ऑफ दीज प्लेसेस आर यू मोस्ट लाइकली टू फाइंड ग्लेशियर्स? हिमनद, ऑप्शन सुनिए, ए सुंदरबंस, बी रण ऑफ कच्छ, सी ईस्टर्न घाट्स या डी लद्दाख। सुंदरबन, कच्छ का रण, पूर्वी घाट या लद्दाख? सर ये हिमनद ग्लेशियर्स, ग्लेशियर तो पूर्वी घाट और लद्दाख में मुझे कंफ्यूज और लग रहा है, मैं रिस्क नहीं लूंगा, सुंदरबन तो नहीं है, कच्छ में तो होगा ही नहीं, पूर्वी घाट तो, पूर्वी घाट लद्दाख। सर डी को लॉक किया जाए, लद्दाख। डी लद्दाख जी। डी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी।
सही जवाब है, सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, बोला है। सातवां प्रश्न आएगा आपके सामने, इसका मूल्य है 40,000 रुपए। सातवां प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। में लुइस इनेसियो लुला द सिल्वा ने किस देश में राष्ट्रपति चुनाव जीता है? इन विच कंट्री डिड लुइस इनेसियो लुला द सिल्वा विन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 2022? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, ए ब्राजील, बी स्पेन, सी मेक्सिको, डी पोर्चुगल। सर एक और लॉक किया जाए, ब्राजील। ए जी सर, ब्राजील। ए पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने, बहुत सही जवाब भाई, क्या बात है। मुश्किल प्रश्न था लेकिन आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। लुला डा सिल्वा ब्राजील के वर्कर्स पार्टी के नेता हैं और वो पहले 2003 से 2010 तक राष्ट्रपति रह चुके हैं। ओके, आप विनोद भाई मल्टीपर्पज हेल्थ केयर वर्कर हैं आप, तो क्या होता है इस काम में? सर ऐसा है कि गुजरात सरकार है उसके थ्रू हम पंचायत विभाग से हमारा जॉब लगा हुआ है, तो हमें 5,000 की बस्ती के अकॉर्डिंग रखा जाता है। ठीक है, क्वार्टर या 5,000 लोगों की बस्ती? नहीं है, 5,000 लोगों की बात है और टोटल घर हो जाएंगे 900 के करीब। फिर क्या करना है कि हमें फील्ड वर्क करना है, हर घर पे जाना है और एक घर का हमें कम से कम 15 दिन में विजिट लेना ही लेना है। वहां पे जाएंगे हम, उसको पूछेंगे, उसका हालचाल पूछेंगे, उसको आरोग्य के बारे में पूछेंगे कि भाई आपका क्या हालचाल है, किसी को बुखार है या नहीं है, किसी को खांसी आ रही है, बुखार के लिए हम मलेरिया की जांच करेंगे। अगर वो कहेंगे खांसी आएगी तो उसका बलगम ले, उसको कहेंगे डिब्बी देंगे और बलगम निकालेगा और हम लैब के लिए भेज देंगे ताकि उसको टीबी हो तो तुरंत सारा उसको मिल सके। सर ऐसा बोला जा सकता है कि जो आरोग्य का नींव है ना, नींव वो हम लोग है जी, क्योंकि हम क्षेत्रीय में काम करते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। सर आपकी जो तस्वीरें है ना वो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में लगी होती है, पोलियो वाली, टीबी वाली सब। जी जी, और मैं खुद चिपका था, वो बच्चन साहब आ गए और नया साल आ गया, पोलियो वाले मैं लगा देता हूँ शीशे पे एकदम मस्त से। सराहना करते हैं आपकी इस टच। थैंक यू सर। आठवां प्रश्न आ रहा है, 80,000 रुपए इसका मूल्य है। आठवां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि जमदग्नि भगवान विष्णु के किस अवतार के पिता थे? अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी सेज जमदग्नि वॉज द फादर ऑफ विच अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु? ऑप्शन सुनिए, ए लॉर्ड नरसिम्हा, लॉर्ड राम, बी सी लॉर्ड परशुराम या डी लॉर्ड कृष्ण। भगवान नरसिंह, भगवान राम, भगवान परशुराम या भगवान कृष्ण? सर भगवान राम के तो नहीं है, उनके पिता तो दशरथ थे, भगवान कृष्ण के भी नहीं है, भगवान नरसिंह तो खुद स्तंभ से निकले थे, तो मैं जाना चाहूंगा ऑप्शन सी के साथ, भगवान परशुराम। ओके, क्या करें? सर भगवान परशुराम सी को लॉक किया जाए। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, सही उत्तर दिया है आपने भाई साहब, बधाई। ऋषि जमदग्नि भगवान परशुराम के पिता थे, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और बहुत अच्छी तरीके से आपने एलिमिनेशन किया। ये नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते, इसलिए ये होंगे। बड़ा विनोद भाई, चलिए आगे चलते हैं। ये आ रहा है नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए का। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के मंगलयान मिशन पर बनी डॉक्यूमेंट्री यानम किस भारतीय भाषा में बनाई गई है? In which Indian language was the documentary Yanam about the Mangalyaan mission made? Option suniye, A Tamil, B Sanskrit, C Malayalam, D Bengali.
सर तमिल या संस्कृत मलयालम या बांग्ला? सर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैं वक्त जाया न करके मैं ऑडियंस पोल लेना चाहूंगा। और शांत हो जाइए, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर महाशय। और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए, समय शुरू होता है अब आपका। बी संस्कृत, हाँ 46% दिया है जनता ने, क्या करना चाहेंगे? सर बी को लॉक किया जाए। बी में जाएंगे? जी बिल्कुल। राइट, बी संस्कृत चालू हो जाए। प्रश्न बहुत मुश्किल था और केवल 46% मिले थे। यानम जो है वो यात्रा के लिए प्रयोग होने वाला एक संस्कृत शब्द है। ये डॉक्यूमेंट्री उन भारतीय वैज्ञानिकों की दृष्टिकोण से बनाई गई है जो भारत के मंगलयान मिशन से जुड़े। ये डॉक्टर के राधाकृष्णन की पुस्तक माई ओडिसी पर आधारित है। विनोद बाबू भाई, अगला प्रश्न होता है वो 10वां प्रश्न होता है, और यहाँ पर जो चेतावनी हम देते हैं कि इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मनोवर, दो लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। जी सर। आ रहा है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1920 के दशक में इनमें से किस ब्रिटिश लेखक ने देवास के महाराजा के निजी सचिव के रूप में काम किया था? Which of these British writers worked as a private secretary with the Maharaja of Devas in the 1920s? Option suni: A. George Orwell, B. Rudyard Kipling, C. E.M. Forster, or D. P.G. Woodhouse. P.G. Woodhouse, D. B. Rudyard Kipling, C. E.M. Forster. ए जॉर्ज ऑरवेल। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लाइफलाइन लेके शांत हो जाइए, एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, कौन सी? हाँ मैं वीडियो कॉल करना चाहूंगा। वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड्स, ऑलराइट, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड की लाइफलाइन लेंगे। विनोद भाई इसको अंकित कर दीजिए। विनोद भाई आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते थे, ये है वो नाम। राकेश पॉल है, डॉक्टर गौरव जोशी है और हर्षद। मैं गौरंग सर से बात करना चाहूंगा। डॉक्टर गौरंग जोशी? जी सर। ऑलराइट, डॉक्टर गौरंग जोशी को वीडियो कॉल लगाया जाए। मित्र हैं आपके? जी सर। ओके ऑलराइट, डॉक्टर गौरंग जोशी प्रणाम करता हूं आपको। नमस्ते सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप आज हमारे साथ हैं जुड़े हुए, लेकिन सबसे ज्यादा मैं समझता हूं कि विनोद भाई को होगा। विनोद भाई, बाबू भाई जो है ये हमारे सामने हॉट सीट पर हैं और आपसे जी आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। तो अगली आवाज इनकी होगी, ये प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन देंगे आपको ABCD और 45 सेकंड के अंदर बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। रेडी भाई साहब? विनोद भाई आपका समय शुरू होता है अब। 1920 मा दशक मा कया ब्रिटिश लेखक है देवास ना महाराजा ना निजी सचिव तरीके काम करी होतु? देवास ना महाराजा बराबर ब्रिटिश लेखक छे कोई पण 1920 नी बात छे। ऑप्शन छे जॉर्ज ओरवेल, बीजू छे रुडियार किपलिंग, त्रीजू नाम छे ईएम फोस्टर अने चौथु नाम छे पीजी वुडहाउस। मने लागे छे कि आई एम श्योर रुडियार किपलिंग। 50% 50%, ओके।
50-50 करना चाहूंगा। शांत हो जाइए, 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और दो जो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दिया जाए। ईएम फोस्टर, पीजी वोड हाउस, घड़ी चल पड़ी है, बोलिए। सर आई वांट पिक क्विट। शांत हो जाइए, निर्णय हो गया है विनोद भाई का कि वो खेल क्विट करेंगे, आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं। अनुमति देते हैं हम आपको भाई साहब कि आप खेल छोड़ सके, और बहुत बहुत बधाई, तालियां बज जाए इनके लिए। थैंक यू, थैंक यू। ये आपकी जो जीती हुई रकम है 1,60,000 रुपए, ये ऐप द्वारा डिजिटली ट्रांसफर इनकी धनराशि हम कर देंगे। यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाम दबाया, 1,60,000 इसको दाब दिया, पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से।